7 साल बाद खत्म होगा कोरोना का कहर। विशेषज्ञों ने किया डराने वाला खुलासा। नई गणना के मुताबिक कोरोना वायरस को खत्म होने में अभी 7 साल का समय और लग सकता है। जिस तरह दुनिया भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, उसके मुताबिक जानकारों ने यह बात कही। ब्लू मॉथ वैक्सीन कैलकुलेटर के मुताबिक डॉक्टर एथनी फाउची के वैश्विक हाइड इम्यूनिटी के 75% अनुमान को अंजाम तक पहुंचाने में इतना लंबा समय लगेगा। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो प्रतिदिन 40 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अभी तक अमेरिका में अपनी जनसंख्या के 8.7% हिस्से को टीका लग गया है। अमेरिका में प्रतिदिन औसत 13 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। टीका लगाने की दर के मुताबिक अमेरिका दुनिया में 6वें नंबर पे है, लेकिन अमेरिका के लिए हार्ड इम्यूनिटी की भविष्यवाणी 2022 की रखी गई है। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वैक्सीन कोरोना के नए वेरियंट पर असरदार है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है। इस बीच इजराइल में टीका लगाने की गति को देखते हुए पूरी दुनिया सकते में है। इजराइल ने पहले ही अपनी जनसंख्या का 58.5 जनसंख्या को टीका लग सका है। अगले 2 महीने में ही हार्ड इम्यूनिटी को छू सकता है। लेकिन इसके अलावा अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित छोटा सा द्वीप सोशल्स 2 नंबर पर यह है। अब तक 48.6% जनसंख्या को टीका लग चुका है। इसके बाद यूएई, यूके और बहराइन ने भी अमेरिका को पछाड़ दिया है। इन तीनों देशों ने अब तक अपनी जनसंख्या का 11.8% हिस्से को वैक्सीनेट कर दिया है। यूके में प्रतिदिन 4.38 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस साल के अंत के पहले यूके में हार्ड इम्यूनिटी की शुरुआत हो गई है।